अभी सुबह के 8 बज रहे हैं इंडिया में, और अभी मैं सही से उठा भी नहीं हूँ। सुबह उठ के मैंने देखा ट्विटर पे क्या धमाल मच रहा है, तो पता चला कि नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है और ऐसी तैसी मार दी है उन लोगों ने। तो मैंने कहा ठीक है, अब छोड़ो यार, ब्रश फ्रेश मुँह बाद में धोएंगे, पहले ट्रेलर देखते हैं। और उनमें से मैंने कुछ 14 ऐसी डिटेल्स निकाली हैं जो शायद आपने मिस कर दी हो, तो अगर कर दी हो तो देखो वीडियो को ज़रूर। पहली डिटेल में ट्रेलर हमें शो करता है कि डायरेक्टली फार फ्रॉम होम के बाद क्या हुआ होगा। उसमें हमें दिखता है कि मिस्टर ने कैसे पीटर पार्कर का सीक्रेट रिवील कर दिया बिलबोर्ड्स पे। नेक्स्ट डिटेल में हमें दिखती है ग्लिम्स पहली बार एक ब्लैक और गोल्डन स्पाइडरमैन सूट की, है ना यार, कितना सही लग रहा है भाई ये यार, ओ भाई। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है कि ये जो ब्लैक गोल्डन सूट है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कुछ मिस्टिकल स्टफ भी कर पा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ वो भी हमें मूवी में देखना पता लगेगा। बट ये है क्या, डॉक्टर ऑक्टोपस इस पीटर पार्कर को नहीं पहचान पाया, तो मतलब वो जो आइकॉनिक डायलॉग था हेलो पीटर जो इतना फेमस हुआ था, वो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डिटेल में जब न्यूयॉर्क स्काईलाइन दिखाई जाती है ट्रेलर में, तब एक जगह बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगाई हुई है, कैप्टन अमेरिका को ऑनर करने के लिए, और फर्स्ट एवेंजर का पोस्टर भी लगा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। नेक्स्ट डिटेल में हमने पहली बार जेके सिमन्स को देखा, जो नो वे होम में रिटर्न कर रहा है एस जे जोना जेम्स। हमने इसको टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन और फार फ्रॉम होम में भी देखा है। नेक्स्ट डिटेल में डॉक्टर स्ट्रेंज मेंशन करता है कि जितने भी विलन्स हैं उनका फेट है स्पाइडरमैन के हाथों मरना, तो मतलब इसमें भी हमें ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस की डेथ हो सकता है दिखाई जाए। नेक्स्ट डिटेल में जेमी फॉक्स ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दे दी है नो वे होम में, और वो भी एज अ विलन इलेक्ट्रो। ऑल्सो हमें ये नोट करना होगा कि अब वाला जो डिज़ाइन है वो एक बढ़िया कूल सा येल्लो सा डिज़ाइन है इलेक्ट्रो का, जो कि कॉमिक्स में नए डिज़ाइन को लेके दिखाया गया है। पहले इलेक्ट्रो ब्लू था, इस बार कुछ नया आया है इलेक्ट्रो में। ऑफ कोर्स हमने पिछले ट्रेलर में कुछ नोटेबली छोटी छोटी डिटेल्स देखी थी ग्रीन गॉब्लिन की, बट इस बार उसे पूरे बड़े पर्दे पे अच्छे से दिखाया गया है। ऑल्सो ये नहीं लग रहा कि ये विलियम डिफो वाला ग्रीन गॉब्लिन है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये डैन डिहान हो सकता है जो हॉब गॉब्लिन बना है। सैंडमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द ट्रेलर 2, भाई ये रहा, क्लियरली दिखाया गया है कि सैंडमैन भी होगा मूवी में। वी गेट अ फर्स्ट कंफर्मेशन कि लिजर्ड भी होने वाला है मूवी में, जरी सी झलक दिखाई गई है, इतना सा उड़ता हुआ कूदता हुआ दिखाया गया है वो, तो ये भी कंफर्म हो गया है कि ये विलेन भी मूवी में है। फाइनली द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इज व्हेन द एमजे फॉल्स आउट ऑफ द बिल्डिंग, जो मिमिक करता है वो आइकॉनिक सीन स्पाइडरमैन से जिसमें ग्वेन मर जाती है गिर के स्पाइडरमैन 2 में। बस यही कुछ डिटेल्स थी जो मैंने स्पॉट करी, अगर आपने कुछ स्पॉट करी हो तो कॉमेंट सेक्शन में डालो, मुझे बताओ। और भाई वो लास्ट में पर्पल स्मोक क्या है कोई तो बताओ, समझ नहीं आया मुझे, हल्की सी झलक दिखी, समझ नहीं पा रहा था मैं उसमें कि वो था क्या। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ और सब्सक्राइब करो।